फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंस द एडवेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स वॉज रिवाइव्ड। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बाद विद्वानों की ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन में फिर से क्या हुआ, रुचि पैदा हुआ। इट वॉज इन 1967 मैकेंजी एंड पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड केम आउट विद अनदर कॉन्सेप्ट टर्म प्लेट टेक्टोनिक्स। तो सर 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से यानी अलग अलग तरीके से उपलब्ध विचारों को कलेक्ट करके समन्वित करके एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज द थ्योरी दैट अर्थ आउटर सेल इज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्लेट्स दैट ग्लाइड ओवर द मेंटल द रॉकी इनर लेयर अबव द कोर। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है कि पृथ्वी का आउटर सेल या जो बाहरी आवरण है वह कई भागों में टूटा हुआ है जो कि मेंटल के ऊपर सरकती है, और कोर के ऊपर चट्टानी के जो इनर लेयर होता है वही आपका क्या होता है, मेंटल। द प्लेट्स एक्ट लाइक हार्ड एंड रिजिड सेल्स कंपेयर टू अर्थ मेंटल। तो प्लेट्स पृथ्वी के मेंटल की तुलना में कठोर और उनके जो सेल्स हैं वो भी कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, और इस मजबूत बाहरी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिथोस्फीयर को कितने भागों में बांटा गया है। द अर्थ लिथोस्फीयर इज कम्पोज ऑफ 7 or 8 मेजर प्लेट्स एंड मेनी माइनर प्लेट्स। तो पृथ्वी की जो स्थल मंडल है या लिथोस्फीयर है वो 7 या 8 बड़ी प्लेटों और छोटी प्लेटों से मिल करके बना हुआ है। द मेजर प्लेट्स आर एज फॉलोज। तो प्रमुख प्लेटें यानी कि जो बड़ी प्लेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशन प्लेट्स, यानी कि अंटार्कटिका प्लेट जिसमें कि अंटार्कटिक और इसके चारों ओर जो इसे घेरती हुई जो महासागरीय प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, वो भी इसमें शामिल है। दूसरा है नॉर्थ अमेरिकन विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट्स अलोंग द कैरेबियन आइलैंड प्लेट। दूसरा है हम लोग का उत्तर अमेरिकी प्लेट जिसमें कि पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर तीसरा है साउथ अमेरिकन विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट द कैरेबियन आइलैंड्स प्लेट। तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। फिर चौथा है पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट इसे कहा जाता है। फिर है छठवा अफ्रीका विथ द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, अफ्रीकी प्लेट जिसमें कि पूर्वी अटलांटिक तल सम्मिलित है। और लास्ट है सेवेंथ यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। तो यूरेशियाई प्लेट जिसमें कि पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित हैं। तो ये हम लोग का 7 मेजर प्लेट्स हैं, किसी किसी में आपको 8 मेजर प्लेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, वो क्या क्या है देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट्स आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें जो निम्नलिखित हैं, पहला है कोकोस प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो जो ये जो कोकोस प्लेट है यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। फिर दूसरा है नज़का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो नज़का प्लेट जो है यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। तीसरा है अरेबियन प्लेट मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंडमार्क। अरेबियन प्लेट इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग शामिल है, ठीक। उसके बाद चौथा है हम लोग का फिलीपीन प्लेट बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट।
फिलीपीन प्लेट या एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। पांचवा है कैरोलिन प्लेट बिटवीन द फिलीपीन एंड इंडियन प्लेट नॉर्थ ऑफ न्यू गुयाना। कैरोलिन प्लेट या न्यू गुयाना के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। और छठवा है हम लोग का फ्यूजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये देखिए एक डायग्राम है जिसके द्वारा मैंने आपको कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो रेखाएं हैं ये डाइवर्जेंट बाउंड्री के लिए हैं, और ये जो थोड़े से उठे हुए थोड़े पहाड़ की तरह जो दिख रहे हैं वो है कन्वर्जेंट, और जो बिल्कुल प्लेन है ये आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जैसे कि ये जो है यहाँ पे है ये आपका ट्रांसफॉर्म है, और ये जो दो लाइन दिख रही हैं ये डाइवर्जेंट है और ये आपका कन्वर्जेंट का बाउंड्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ कुछ प्लेट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ फिलीपीन प्लेट है, यहाँ जावा ट्रेंच, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट एंड एलिशियन ट्रेंच एंड पैसिफिक प्लेट, ईस्ट पैसिफिक राइज एंड जुएन दे फूका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोकोज प्लेट, नास्का प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, स्कोटिया प्लेट, मिड अटलांटिक रिज, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा समझने में हेल्प होगा कि कौन कौन से प्लेट कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, द लिथोस्फेयर इज अ रिजिड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द अर्थ एंड इज ब्रोकन अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। जो लिथोस्फेयर है ये पृथ्वी का बाहरी आवरण या बाहरी खोल है जो कि टेक्टोनिक प्लेटों में क्या हो गया, टूट गया है। व्हेन दीज प्लेट्स मीट देयर रिलेटिव मोशन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ बाउंड्री लाइक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो जब ये प्लेटें अपने रिलेटिव मोशन में मिलती हैं तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म जैसे बाउंड्री का टाइप्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करती हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स, माउंटेन बिल्डिंग एंड ओशियनिक ट्रेंच फॉर्मेशन अकर अलोंग दीज प्लेट बाउंड्रीज। तो इन प्लेटों के बाउंड्रीज के साथ या सीमाओं के साथ ज्वालामुखी गतिविधि, भूकंप, फिर पर्वत निर्माण और महासागरीय खाई यानी कि ओशियनिक ट्रेंच, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ प्लेट्स टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 millimeter एनुअली। और जो प्लेटों की सापेक्ष गति जो है वो आमतौर पर सालाना यानी साल भर में 0 to 100 millimeter तक होती है। लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेट बाउंड्री एंड अ प्लेट मार्जिन। तो आइए अब हम प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन के बीच में अंतर देखें कि क्या होता है। ठीक है, द जोन ऑफ मोशन बिटवीन टू प्लेट्स इज कॉल्ड द प्लेट बाउंड्री। तो दो प्लेटों के बीच में जो गति का क्षेत्र होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्री कहते हैं। एंड द मार्जिनल पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लेट इज कॉल्ड द प्लेट मार्जिन। और सिंगल प्लेट के मार्जिनल पार्ट को यानी किनारे के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट मार्जिन कहते हैं। द टू प्लेट मार्जिन मीट एट अ कॉमन प्लेट बाउंड्री। तो दो प्लेट के किनारे जो है वो एक सामान्य प्लेट बाउंड्री पर क्या होते हैं, मिलते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्लेट बाउंड्री जो है वो तीन तरह का होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। अब उसके बारे में हम एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो हम लोग का पहला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इसमें क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं यानी फैलते हैं प्लेट्स। ठीक है, दिस इज़ वेयर टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्जेंट प्लेट को हम लोग हिंदी में अपसारी सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पे दो प्लेटें जो हैं एक दूसरे से क्या होती है, दूर जाती हैं। मोल्टन रॉक फ्रॉम द मेंटल इरप्ट्स अलोंग द ओपनिंग फॉर्मिंग न्यू क्रस्ट। तो मेंटल से क्या होती है, पिघली हुई चट्टानें बाहर आती हैं और वो सोलिडिफाई होकर के एक न्यू क्रस्ट का, न्यू परत का निर्माण करती हैं। द अर्थक्वेक्स दैट अकर अलोंग दिस जोन्स कॉल्ड स्प्रेडिंग सेंटर्स आर रिलेटिवली स्मॉल। तो इन क्षेत्रों में होने वाले जो भूकंप हैं
जिन्हें कि स्प्रेडिंग सेंटर या प्रसार केंद्र कहा जाता है, वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एंड द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इज द मिड अटलांटिक रिज। और डाइवर्जेंट बाउंड्री का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो क्या है, मिड अटलांटिक रिज, जिसके बारे में मैंने आपसे सी फ्लो स्प्रेडिंग वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया है। एट दिस द अमेरिकन प्लेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स। तो इसमें जो अमेरिकन प्लेट है वो यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट से अलग होती है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्लेट हैं, प्लेट वन एंड प्लेट टू। तो ये जो स्प्रेडिंग सेंटर है यहीं से क्या होता है, प्लेट वन और प्लेट टू दोनों अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा जैसे ऊपर आता है तो यहाँ पे न्यू क्रस्ट का निर्माण करता है। यहाँ पे न्यू क्रस्ट जब फॉर्म करता है तो ये पुराने क्रस्ट को क्या करता है, धकेलता जाता है, ठीक है। तो जैसे स्प्रेडिंग सेंटर के पास आप आइएगा, यहाँ पे आपको हमेशा न्यू क्रस्ट देखने को मिलेंगे। और स्प्रेडिंग सेंटर से जैसे दूर जाते जाइएगा, यहाँ पे आपका क्रस्ट क्या होता जाएगा, ओल्ड होते जाता है, ठीक है। उसी तरह से ओल्ड होते जाता है, ठीक है। तो ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, इसमें क्या होता है, कोलाइडिंग होता है, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव अंडर अनदर। तो यहाँ पे ये जो है अभिसरण सीमा है, यहाँ पे जब एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है, यानी कि दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, तो वहाँ क्या होता है, एक क्रस्ट क्या होता है, नष्ट होते हैं, है ना। जैसे कि एक प्लेट है इस तरह से, जब वो दूसरे के नीचे जैसे जा रही हैं, तो जो नीचे जा रही हैं वो क्या हो रही है, जो यहाँ पे जो क्रस्ट है वो उसका क्या हो रहा है, नष्ट होते जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। जो क्रस्ट है या नीचे घुसते घुसते वो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट अकर्स इज कॉल्ड अ सबडक्शन जोन। तो जहाँ पे की प्लेट धंसती हैं उस जगह क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन कहते हैं। देयर आर थ्री वेज इन विच कन्वर्जेंस कैन अकर। तो तीन तरह से कन्वर्जेंस होता है, वो क्या क्या है। पहला है बिटवीन एन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, महासागरी और महाद्वीप प्लेट के बीच में होता है। दूसरा है बिटवीन टू ओशियनिक प्लेट्स, दो महासागरीय प्लेटों के बीच में, और बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल। और तीसरा है बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यानी दो महाद्वीप प्लेटों के बीच में। डायग्राम है हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेनोस्फेयर की लेयर है, उसके जस्ट ऊपर हम लोग का लिथोस्फेरिक मेंटल की लेयर है, और यहाँ पे आपका सबडक्टिंग लेप है, ओवरराइडिंग प्लेट एंड सबडक्टिंग प्लेट क्रस्ट। तो क्या होता है कि जो ट्रेंच है वहाँ पे ये जो यहाँ से जो क्रस्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर धंसता हुआ चला जाता है। दूसरा जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इसके नीचे क्या हो रहा है, ये धंसता जा रहा है, ठीक है। इसके नीचे ये धंसता चला जाता है और ये प्लेट है जिसको ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो नीचे जो प्लेट धंस रहा है, यहाँ पे आपके एक क्या होता है, यहाँ पर खाई का निर्माण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच। और जहाँ पे धंस रहा है इसी को हम कहते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है। और जो क्रस्ट जो नीचे धंस रहे हैं वो नीचे जाने के बाद क्या हो रहा है, मैग्मा के संपर्क में आकर के वो फिर से पिघल जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। उसके बाद जो हमारा थर्ड बाउंड्री है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। तो रूपांतर सीमा, जहाँ पे ना तो नई क्रस्ट का निर्माण होता है और ना क्रस्ट का विनाश होता है, उन्हें ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। तो इसका कारण यह है कि इस बाउंड्री पर प्लेटें क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, ठीक है। इसको मैं आपको डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रिजेस। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो हैं ये दो प्लेट्स को अलग करने वाले तल हैं, जो कि सामान्यतः मिड ओशियनिक रिजेस से परपेंडिकुलर स्थिति में पाए जाते हैं। एज द इरप्शंस डू नॉट टेक ऑल अलोंग एंटायर क्रेस्ट एट द सेम टाइम, देयर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस।
ऑफ द, क्योंकि सभी क्रेस्ट पर एक ही समय में ज्वालामुखी जो है वो उद्गार नहीं होता है सभी स्थानों में, तो इसलिए जो पृथ्वी के एक्सिस से दो प्लेट के से जो है अलग प्रकार से गति करते हैं, ठीक है। ऑल्सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक्स ऑफ द प्लेट पोर्शंस। पृथ्वी के घूर्णन का यानी पृथ्वी के रोटेशन का भी अलग ब्लॉक्स पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये डायग्राम है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे दो प्लेट्स होते हैं, प्लेट वन एंड प्लेट टू, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इधर नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरह से मूव करता है। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह कोई नया क्रस्ट का निर्माण भी नहीं होता है और ना जो पुराने क्रस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। जैसे कि हमने देखा था कि डाइवर्जेंट प्लेट में हमेशा क्या होता है एक न्यू क्रस्ट फॉर्म करता है, उसी तरह कन्वर्जेंट प्लेट में हमेशा जो ओल्ड क्रस्ट होते हैं वो क्या होते हैं डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। पर ट्रांसफॉर्म प्लेट में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ना तो यहाँ पर न्यू क्रस्ट निर्माण करते हैं ना तो यहाँ पर ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। बस इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म प्लेट में बस ये जो प्लेट वन एंड प्लेट टू है एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके रेट्स पर कि प्लेट मूवमेंट का रेट क्या है। रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशनिक रिजेस हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। नॉर्मल और रिवर्स, नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्राइप्स हैं, जो पट्टियां हैं, जो कि मिड ओशनिक रिजेस के समानांतर हैं, उसमें प्लेट मूवमेंट के जो समझने में वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुई हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ फ्लोर स्प्रेडिंग बताया था कि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स किस तरह से होते हैं वहाँ पर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। दीज रेट्स वेरी कंसिडरेबली एंड दी आर्कटिक रिज हैज़ द स्लोवेस्ट रेट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर एंड द ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक अबाउट 3,400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली हैज़ द फास्टेस्ट रेट मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। तो मूवमेंट की ये दरें जो हैं वो बहुत ही क्या होंगे भिन्न होती हैं, है ना, वैरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। तो आर्कटिक रिज की जो प्रवाह की दर है वो सबसे कम है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम, और ईस्टर आइलैंड के निकट जो पूर्वी प्रशांत महासागर ये राइज है या उभार हैं, जो कि चिली से 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसका जो प्रवाह का दर है वो सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, कितना है 15 सेंटीमीटर पर ईयर से भी अधिक है, ठीक है। किस तरह से हम लोग की जो बाउंड्रीज हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, प्लेट एक दूसरे से किस तरह से मूव करती हैं, आप समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।